किसी इंसान की मौत के बाद उसका दाह संस्कार दुनिया भर में एक परंपरा है। हिंदू धर्म में भी दाह संस्कार की परंपरा है, जबकि मुस्लिम और ईसाइयों में शव को दफनाने की परंपरा है। चीन में भी इसी परंपरा का पालन किया जाता है। हालांकि ज्यादातर चीनी किसी भी धर्म को नहीं मानते, वे मृतकों को अंतिम संस्कार के रूप में दफनाते हैं। इससे जुड़ा एक वीडियो इन दोनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो दिल दहला देने वाला है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शव के अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही है। शव को दफनाने के लिए कब्रिस्तान लाया गया है। एक बड़े ताबूत को कब्र खोदकर उसकी बनी दीवार में दफन किया जा रहा है। इस काम को करने में 4 से 5 लोग लगे हुए हैं और कुछ लोग एक बड़े प्लास्टिक से उस दीवार को ढकने की कोशिश कर रहे हैं। तभी अचानक से कब्र के ऊपरी हिस्से की दीवार, जो कि मलबा निकलने के कारण बनी थी, वो धस जाती है। इस दर्दनाक हादसे में कई लोग उस मलबे के नीचे दब जाते हैं। ऐसे में शव दफनाने के लिए आए लोग खुद ही मिट्टी में दफन हो जाते हैं। ये घटना चीन की बताई जा रही है। इस वीडियो को अब सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है और यूजर इसे लापरवाही का नतीजा बता रहे हैं।